नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित बटियोरा डांडा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना का औचक रूप से स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम यमुना नदी पर बने चेक पंप हाउस का निरीक्षण किया तथा कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत बातचीत की तथा संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात उन्होंने प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित अन्य इकाइयों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत सप्लाई होने वाले पेयजल में किसी भी दशा में हैवी मेटल, आर्सेनिक अथवा अन्य अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से पेयजल का लैब टेस्ट कराया जाए। परियोजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले सभी ग्रामों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट के लैब में जाकर अपने सामने पानी की गुणवत्ता का लैब टेस्ट कराया, जो कि सही पाएगा। ज्ञात हो कि इस परियोजना के अंतर्गत कुल 131 गांव कवर किए जाने हैं। वर्तमान में लगभग 112 गांव में पेयजल सप्लाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने अवशेष गांवों में भी शीघ्रता से पेयजल आपूर्ति चालू करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट के बारे में यथा पाइपलाइन, गृह जल संयोजन, ट्यूबवेल की स्थापना एवं ओवरहेड टैंक निर्माण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने गृह जल संयोजन के तहत किए गए शत प्रतिशत कनेक्शन एवं पानी के प्रेशर को मेंटेन रखने सहित अन्य निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे सुरेश कुमार, कार्यदायी संस्था प्रभारी अभियंता तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।